आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताया हुआ है और बहुत ही कारगर और 100% ये वर्क करता है। तो आप इस रेमेडी को जरूर बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा प्रॉब्लम होगा तो, और साथ ही साथ दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कि कभी कभी जो है कान में बहुत ज़्यादा जो है वैक्स हो जाता है, या कानों में जो है अचानक से दर्द होता है, और खासकर बारिश और ठंडे के सीजन में ना कान में कभी कभी रह रह के बहुत जोर का दर्द होता है। कानों में सीटी जैसी आवाज़ आती है, साय साय की आवाज़ आती है, सर जो है भारीपन जैसा लगता है, कम सुनाई देता है, भारी जैसा कान में जो है महसूस होता है। तो इन सारी समस्याओं का, इवन कान अगर आपका बहता है तब भी ये जो है नुस्खा जो है आपका काम आने वाला है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और जिस तरह से मैंने बताया है मैं सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए उसी तरह से आपको यूज़ करना है, और 100% ये जो है नुस्खा आपका काम आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमें लेना है एक प्याज, और प्याज की खूबी पहले मैं बताना चाहूँगी। प्याज में बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कान के अंदर बारिश वगैरह में कभी कभी बच्चों के छोटे छोटे कीड़े वगैरह भी घुस जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, और बच्चे जो छोटे होते हैं उनके कान अपने आप हाथ जो है कानों के पास तक पहुँचता है और फिर हमें पता चलता है कि कान में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो छोटे बच्चे हों या बड़े हों या एडल्ट्स हों, ये सभी के लिए, पुरुष हो महिला हो, सभी के लिए ये नुस्खा है। तो सबसे पहले जो है हम प्याज लेंगे और प्याज को जो है हम छीलेंगे। प्याज को छील के अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद से इसे हमें ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद से दोस्तों करना ये है कि हम इसे छन्नी से नहीं छानना है, हमें इसे कॉटन से ही छानना। कॉटन से क्या होगा कि प्याज के बारीक से बारीक चीज़ें जो होंगी ना वो भी आसानी से जो है निकल जाएंगे, और काफ़ी अच्छे से कपड़े से छन के ये निकल आता है। तो कपड़े से सबसे पहले हम प्याज को जो है रस निकाल लेंगे, प्याज को छान लेंगे, और प्याज जो बचा हुआ आप चाहे तो उसे सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज उसे फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब हम जो है गैस फ्लेम ऑन करेंगे। गैस फ्लेम ऑन करके जो है उस पर हम इसे गरम करना है। अब गरम कितना करना है, हमें बिल्कुल इसे बॉईल नहीं करना है, बिल्कुल हाथ टच होने तक, मतलब जितनी उंगली हमारी उसमें सह लेती है, टच होती है, बस उतना ही हमें हल्का सा गरम करना है। और आपको जब जब डालना हो, ज़्यादातर तो आपको कोशिश करना है कि दिन में 2 या 3 बार ही यूज़ करना है, और 2 या 3 दिन के अंदर ही जो है आपकी समस्या का समाधान जो है ईजिली निकल जाएगा। कभी कभी तो कानों के अंदर जो वैक्स होता है, मैला होता है, वो फूल जाएगा, उसके बाद से आप उसे आसानी से जो है बाहर निकाल सकते हैं। तो करना ये है कि अभी जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें इसे गर्म करना है। गर्म करके हल्का सा ही, जितना फिंगर टच हो उतना ही, जितना सह सकता है उतना ही गर्म करना है। और इसमें सबसे डालना है कान में ईजी कॉटन। कॉटन का यूज़ करते हुए जो है हमें इसे 2-2 बूंद दोनों कानों में डालना है। अब वो आप दिन में भी डाल सकते हैं, रात में भी डाल सकते हैं, दोपहर में भी डाल सकते हैं, आपको जैसी सुविधा हो। लेकिन डालने के बाद से एक साइड कम से कम 2-3 मिनट रहना है ताकि कानों में अच्छे से वो वर्क करे, काम करे, कि डाला और फिर खड़े हो गए तो ऐसे नहीं होगा। तो उसको डालने के बाद से 2-2 ड्रॉप डालना है दोनों कानों में। पहले 2 ड्रॉप एक कान में डाल लेंगे, भी 5-7 मिनट वैसे ही रहने देंगे, फिर दूसरी साइड जो है 2 ड्रॉप डाल के फिर वैसे ही रहने देंगे। तो ऐसे दिन में 3 बार हम कर सकते हैं, और जितनी बार डालेंगे उतनी बार हल्का गर्म होना चाहिए बिल्कुल, और कॉटन की मदद से 2-2 बूंद हमें कानों में डालना है। डालने के बाद से क्या है, आपको 3-4 दिन, आपको 3-4 दिन में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। किसी भी तरह का दर्द हो, भारीपन हो, कान के अंदर वैक्स हो, कान बह रहा हो, साय साय की आवाज जैसी आ रही हो, सीटी जैसी बजती है कभी कभी कानों में, और कभी कभी बहुत जोर से टटाता है, मतलब कि दर्द हो जाता है अचानक से, तो ये सारी जो समस्या है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये इंपॉर्टेंट और बिल्कुल वैल्यूबल, इंफॉर्मेटिव और बड़े बुजुर्गों का किया हुआ ये नुस्खा जरूर काम आएगा। तो आप इसे जरूर यूज कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में, नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेते हुए। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।